हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड क्रिकेट प्लेयर एंड्रू साइमंड्स की, जिनकी मौत 14 मई को एक कार हादसे में हो गई। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है, लेकिन ये टीम ऐसे ही दुनिया की सबसे बेस्ट टीम नहीं बनी। इस टीम को बेस्ट बनाने के लिए क्रिकेट जगत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स ने अपना 100% दिया, और इसी टीम के एक बेहतरीन क्रिकेटर थे एंड्रू साइमंड्स। एंड्रू साइमंड्स अपने दौर के सबसे बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन फील्डर थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं क्रिकेट देखा करता था, तब उस वक्त रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन हुआ करते थे, और एंड्रू साइमंड उस टीम के एक स्थायी खिलाड़ी थे। साथ ही आपको बता दें कि एंड्रू साइमंड अपने खेल की वजह से जितने फेमस थे, उतने ही वो सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी थे, और शायद इसी वजह से वो कभी एक महान खिलाड़ी का तमगा हासिल नहीं कर पाए। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड्रू साइमंड्स की जीवन से लेकर उनके खेल जीवन, कंट्रोवर्सी, उनकी आय और उनके करियर की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एंड्रू साइमंड का जन्म इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था 5 जून 1975 को। जब एंड्रू साइमंड मात्र 3 महीने के थे, तब उनके वास्तविक माता पिता ने उन्हें केन साइमंड और बारबरा साइमंड को गोद दे दिया था, जिसके बाद एंड्रू का पालन पोषण केन और बारबरा साइमंड ने की। कुछ समय बाद साइमंड्स फैमिली इंग्लैंड छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि एंड्रू साइमंड्स बचपन से ही क्रिकेट खेला करते थे, साथ ही टेबल टेनिस खेलना भी उन्हें पसंद था। और आपको जानकर शायद यकीन ना हो कि भले ही एंड्रू एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, लेकिन अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत उन्होंने इंग्लैंड से की थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का काफी ज्यादा वक्त इंग्लैंड में ही बिताया था। अब हम बात करते हैं एंड्रू साइमंड्स के क्रिकेट करियर के बारे में। एंड्रू साइमंड ने साल 1994 में अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जगत में डेब्यू किया, लेकिन अगले ही साल वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में ब्लू स्टेयर के लिए खेलते हुए फर्स्ट क्लास मैच में एंड्रू ने पहली पारी में 16 छक्के और दूसरी पारी में 4 छक्के मारते हुए कुल 254 रनों की बेहतरीन पारी खेली। साथ ही आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एंड्रू साइमंड्स के नाम ही है, साथ ही एक मैच में 20 छक्के मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एंड्रू साइमंड्स के नाम है। और उनके इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इंग्लैंड के ए टीम में शामिल करने का फैसला लिया, लेकिन एंड्रू साइमंड्स तो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेलना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस ऑफर को मना कर दिया। दोस्तों, एंड्रू साइमंड एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। एंड्रू ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ साल 1998 में की थी। एंड्रू साइमंड्स ने अपने वनडे क्रिकेट करियर में 198 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 5,088 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 30 अर्धशतक भी ठोके, साथ ही अपने ऑलराउंडिंग प्रदर्शन के दम पर 133 विकेट भी हासिल किया। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब मैं डाई हार्ड क्रिकेट लवर हुआ करता था, तब एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के एक परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, और जब भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ करता था, तो एंड्रू साइमंड्स नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आते थे। तब मैं यही दुआ करता था कि वो जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि वो काफी अटैकिंग प्लेयर हुआ करता था, और उसने कई बार अपने दम पर ही ऑस्ट्रेलियन टीम को कई मैच जिताए। साथ ही एंड्रू साइमंड्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम के सबसे सफल कप्तान रिकी पोंटिंग के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हुआ करते थे, और यही वजह है कि एंड्रू साइमंड्स 2 विश्व कप जीतने वाले टीम के एक स्थायी सदस्य थे। खैर, बात करें उनके टेस्ट क्रिकेट करियर की, तो उन्होंने अपने पूरे करियर में 26 टेस्ट मैच खेला और 1462 रन बनाए, जिसमें 2 शतक, 10 अर्धशतक, 154 चौके और 28 छक्के मारे। साथ ही उन्होंने 24 विकेट भी अपने नाम किया। वहीं बात करें एंड्रू साइमंड के T20 करियर की, तो एंड्रू साइमंड्स ने कुल 14 T20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 337 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक, 33 चौके और 2 छक्के, साथ ही 8 विकेट भी हासिल किया। बात की जाए एंड्रू साइमंड्स के आईपीएल करियर की, तो साल 2008 के आईपीएल में एंड्रू साइमंड्स आईपीएल की टीम डेक्कन चार्जर्स के दूसरे सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें 13,50,000 रुपए में खरीदा गया था। एंड्रू साइमंड्स ने कुल 39 आईपीएल मैच खेले, जिसमें उन्होंने टोटल 974 रन बनाए, जिसमें 1 शतक, 5 अर्धशतक, 74 चौके और 41 छक्के के साथ साथ 20 विकेट भी चटकाए।
और आईपीएल में उनका हाईएस्ट स्कोर 117 रन का है। वेल गाइज, जैसा कि मैंने बताया कि एंड्रू साइमंड्स एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, साथ ही वो दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में से एक थे। वो एक फुर्तीले और बेहतरीन फील्डर थे। बात की जाए उनके फील्डिंग करियर की तो उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में 22 कैचेस और एक रन आउट किया। वहीं वनडे मैचों में 82 कैचेस 24 रन आउट, T20 करियर में 3 कैचेस 2 रन आउट और IPL मैचों में 21 कैचेस और 1 रन आउट किए। कुल मिलाकर कहा जाए तो एंड्रू साइमंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन अनुभवी और शानदार हरफन मौला खिलाड़ी थे। वेल दोस्तों, एंड्रू साइमंड जितने बेहतरीन खिलाड़ी थे उतने ही ज्यादा विवादित क्रिकेटर भी माने जाते हैं। अपने क्रिकेट करियर में उनका नाम कई कंट्रोवर्सी से जुड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा विवादित किस्सा साल 2008 में हरभजन सिंह के साथ हुई लड़ाई थी, जिसमें एक टेस्ट मैच के दौरान हरभजन सिंह ने उन्हें नस्लीय टिप्पणी करते हुए मंकी कहा था। यह विवाद कई दिनों तक चला और इसके लिए हरभजन सिंह को कुछ मैचों के लिए बैन भी कर दिया गया था, हालांकि बाद में उन पर बैन हटा दिया गया। वहीं इसी साल मतलब कि 2008 में ऑस्ट्रेलियन टीम बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच खेलने वाली थी, जिसमें एंड्रू भी शामिल थे, लेकिन एंड्रू मैच खेलने के बजाय मछली पकड़ने चले गए, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ और उन्हें उस वक्त टीम से बाहर कर दिया गया। और साल 2008 में ही एक टेस्ट मैच के दौरान पब में उन्होंने शराब के नशे में लोगों से झगड़ा कर लिया। वहीं साल 2009 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान वो शराब पीकर मैदान में मस्ती करते हुए पाए गए, जिस वजह से वो फिर से विवादों में आ गए। और इसी तरह कई विवादों में एंड्रू साइमंड्स का नाम शामिल था। एक तरह से वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के बैड बॉय थे और यही वजह है कि एक अच्छे खिलाड़ी होते हुए भी वो एक महान खिलाड़ी का तमगा हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ये भी सच है कि एंड्रू साइमंड की उपस्थिति में ऑस्ट्रेलियन टीम काफी खूंखार हो जाया करती थी और इसी वजह से वो अपने विपक्षी टीम पर हावी हो जाती और उन्हें आसानी से मैच हरा दिया करती थी। इसके अलावा एंड्रू साइमंड्स ने इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, साथ ही उन्होंने पटियाला हाउस मूवी में भी काम किया था। चलिए अब आपको बताते हैं उनके परिवार और उनके नेटवर्थ के बारे में। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उनके बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वहीं उनके दत्तक माता पिता का नाम केन साइमंड्स और बारबरा साइमंड्स था, वहीं उनकी बहन का नाम लुइस साइमंड्स है। उनकी पहली पत्नी का नाम ब्रूक साइमंड्स है। वहीं तलाक के बाद उन्होंने लौरा नाम की महिला से शादी की थी। इनके दो बच्चे थे, जिसमें बेटी का नाम क्लो साइमंड्स और बेटे का नाम बिली साइमंड्स है। बात की जाए इनके नेटवर्थ की तो एंड्रू साइमंड्स की नेटवर्थ $5 मिलियन है, जो भारतीय रुपयों के अनुसार करीब 39 करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों, 14 मई 2022 को लगभग रात 10 बजे क्वींसलैंड के टाउन्सविले में एक कार तेज रफ्तार के कारण सड़क से उतरकर कई बार पलटी, जिसे एंड्रू साइमंड चला रहे थे और पुलिस के मुताबिक उस कार में साइमंड्स अकेले थे। उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी और उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल भी लाया गया, जहां उपचार के दौरान रात 10:30 बजे 46 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई और एक बेहतरीन क्रिकेटर इस दुनिया से चला गया। सो गाइस, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।